हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में केप बिल पास हुआ और पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन करने वालों में से ज्यादातर मुस्लिम समाज से थे, पर क्या मुस्लिम समाज के लोग अपनी इच्छा से प्रदर्शन कर रहे थे या उनसे कराया जा रहा था? तो दोस्तों, आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि कैसे इस देश के मुस्लिमों का सिर्फ यूज किया जाता रहा है, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, और देश के आंतरिक मुद्दों पर भी और देश के बाहरी मुद्दों पर भी इन्हें उकसाया जाता रहा है। तो दोस्तों, बर्मा में रोहिंग्यो को प्रताड़ित किया जाता है तो उसका विरोध हमारे देश में होता है। पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रॉपर्टी और पुलिस थाने जलाए जाते हैं। ईरान का मेजर सुलेमानी अमेरिका द्वारा मारा जाता है तो उसका विरोध हमारे कश्मीर में होता है। इसराइल हमास या फिलिस्तीन पर कोई कार्रवाई करता है तो उसका विरोध भी हमारे देश में होता है। अमेरिका अरब देशों पर कोई कार्रवाई करता है तो उसका विरोध भी हमारे देश में होता है। पर यदि चाइना उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डालता है, उन्हें प्रताड़ित करता है तो उसका विरोध हमारे देश में नहीं होता, कोई चू तक भी हमारे देश में नहीं करता। सऊदी अरब पूरे यमन को हिला देता है, भयंकर तबाही करता है, पर उसका विरोध भी हमारे देश में नहीं होता, कोई चू तक भी नहीं करता। महात्मा गांधी जी भी भारतीय मुस्लिमों को तुर्की में विरोध करने के लिए भेज रहे थे, खिलाफत आंदोलन करने के लिए भेज रहे थे, भारतीयों को अंग्रेजों की तरफ से विश्व युद्ध लड़ने के लिए भेज रहे थे, हिंसा करने के लिए भेज रहे थे। पर जब बात भारत की आजादी की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज बनाने और अंग्रेजों से लड़ने के लिए रोक रहे थे, तो गांधी जी भी देश के लोगों को और देश के मुस्लिमों को बाहर के मुद्दों पर लड़ने के लिए भेज रहे थे, हिंसा करने के लिए भेज रहे थे। पर जब देश की आजादी की बात आई तो अहिंसा हिंसा करने लगे। तो दोस्तों, इसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा गया, ये इस देश का इतिहास है और इसे आप भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। गांधी जी तो मुसलमान नहीं, वो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तभी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, वो तो हथियार उठाने के विरोधी हैं, क्या तुम भी हो? नहीं, हम मुसलमान हैं, अगर वक्त आया तो हम हथियार भी उठाएंगे। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे कि कई लोग गांधी जी का सच नहीं सुन पाते और थोड़े भावुक हो जाते हैं, क्योंकि आज इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और यहाँ तक कि भगवान श्री राम पर भी आप प्रश्न उठा सकते हैं, पर गांधी जी पर नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, ऐसा हमारे देश में क्यों होता आ रहा है? बाहरी मुद्दों पर बार बार हमारा देश क्यों जलता आ रहा है? कैब भी बाहरी लोगों को नागरिकता देने का मुद्दा था, और ऐसा हमारे देश में इसलिए होता आ रहा है क्योंकि हमारे देश के कुछ लोगों को सिर्फ यूज करने के लिए जैसे वे थे वैसा ही उन्हें रखा गया है, उन्हें कभी विकसित नहीं होने दिया गया ताकि जब चाहे उनका यूज किया जा सके, उनके दिमाग को भी कभी विकसित नहीं होने दिया गया और सभी वर्गों के प्रति उनके मन में सिर्फ और सिर्फ घृणा की भावना भरी गई, और ऐसी ही घृणा की भावना हमारे देश के विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं में भी भरी जाती रही है। उन्हें बताया जाता रहा है कि इस जालिम समाज ने उनके साथ कितना बुरा किया, आज उन्हें तकलीफ है तो वो सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से है, वो तकलीफ उन्हें उद्योगपतियों की वजह से है, वो तकलीफ उन्हें भगवाधारियों से है, वो तकलीफ उन्हें हिंदुत्व को मानने वालों से है, क्योंकि ये भी एक अविकसित दिमाग और एक घृणित दिमाग की उपज होते हैं, इसलिए इनकी सोच भी विस्तार नहीं कर पाती, और राजनीतिक आश्रय में ये लोग हर उन चीजों का विरोध करने लगते हैं जो इस देश के पक्ष में है। कन्हैया कुमार इसका जीता जागता उदाहरण है। जब जेएनयू का मामला उछला तो सब लोग, सारे नेता इसका साथ देने के लिए इसके साथ खड़े हो गए, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव हो, सब लोग इसके साथ आ गए थे इसका साथ देने के लिए। पर जब इसको बेगूसराय से टिकट देने की बात उठी तो सबने इसको लात मार के भगा दिया। भैया, इतना दलित दलित करते हो तो टिकट दे देते हैं। पर दोस्तों, आज भी आप देखेंगे तो इसके साथ कोई भी नहीं खड़ा मिलेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार इन सभी नेताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो की चीज है, चला तो ठीक नहीं तो कोई बात ही नहीं। जहां भी जाओ, पर दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, यही कर रहे हैं। और भाजपा का विरोध करते करते इन लोगों को तो देश का विरोध करने की आदत हो गई है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि भारत का कर रहे हैं। इसी प्रकार का कुछ व्यवहार इन नेताओं के द्वारा हमारे देश के लोगों के साथ भी किया जाता रहा है। पहले दलित दलित बोलकर यही नेता उनको नीचा दिखाते हैं और फिर उन्हीं का यूज करते हैं,
कुछ ऐसा ही हमारे देश के मुस्लिमों के साथ भी किया जाता रहा है। एक पिता अपने बच्चे के माइंड में घृणा की भावना भर कर जाता है और फिर वही बच्चा अपने भी बच्चों के माइंड में वही घृणा की भावना भर कर जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी यही घृणा रूपी सोच विकसित की जाती है और इसी के कारण पूरी की पूरी जनरेशन कभी आगे नहीं बढ़ पाती, ना ही उनको परिवार की तरफ से अच्छी शिक्षा मिल पाती है और ना ही कभी वो आर्थिक रूप से विकसित हो पाते हैं, क्योंकि छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो ऐसे लोगों को राजनेता उकसा उकसा कर अपना राजनीतिक फायदा उठाते रहते हैं। कुछ लोगों के पास विदेशी फंड आता है तो वो लोग अपने चाहने वालों से देश के बाहरी मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करवाते रहते हैं। अब बीजेपी गवर्नमेंट अच्छे से चल रही थी, धारा 370 को हटा दिया गया, राम मंदिर का फैसला आ गया, 3 तलाक कानून बना दिया गया, पाकिस्तान की भी लगा रखी है, देश में कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही, कश्मीर भी अब शांत है, तो इतनी परफेक्ट तरीके से कोई देश कैसे चल सकता है? ऐसे तो बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। तो ऐसी सेक्युलर पार्टियां कभी भी इस देश में चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो ऐसी सेक्युलर पार्टियों ने सोचा कि अगर बीजेपी सब अच्छा करेगी तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे, तो इन्होंने सोचा विरोध प्रदर्शन करवाते हैं। किस बात पर? कैब बिल पर। जिनसे हम प्रदर्शन करवाएंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा क्योंकि हमने उन्हें शिक्षित होने ही कहा दिया, इन्हीं दिनों के लिए तो उन्हें अनपढ़ और गरीब रखा गया है। पर इस बिल का भारत के मुस्लिमों से तो कोई लेना देना है ही नहीं, कोई नहीं, वैसे भी इनको क्या समझ आने वाला है? इतने सालों से हमने इनके अविकसित दिमाग में जो घृणा का बीज बोया है अब उसके फल खाने का समय आ गया है। बोल देंगे मुस्लिमों को भारत से भगाया जा रहा है, वैसे भी इन लोगों को कहां कुछ समझ आने वाला है, हमने इन्हें पढ़ने ही कहां दिया, जिंदगी भर इन्हें गरीब रखा, इनका तुष्टिकरण किया, इतने सालों से हमें वोट दे रहे, हमारे लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेंगे? और इसलिए अविकसित दिमाग सेक्युलर नेताओं के कहने पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिन लोगों को कैब के बारे में कुछ पता ही नहीं था वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और इसलिए प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही हमें देखने को मिल रहे थे। बिहार में तोड़फोड़ की गई, यूपी में तोड़फोड़ की गई, दिल्ली में तोड़फोड़ की गई, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था केंद्र शासित है, मतलब बीजेपी के हाथ में थी। वहां भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोगों को उकसाया था और सेक्युलर नेता सबको उकसाकर दूर हो गए क्योंकि उनको जो करना था वो उन्होंने कर दिया। पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब के मुसलमानों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि वो कांग्रेस शासित राज्य थे और उन बिचारों को बताया नहीं गया कि उन्हें प्रोटेस्ट करना है, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। नेताजी सब उकसाकर दूर हो गए क्योंकि जो करना था वो उन्होंने कर दिया था। पर इन सबका खामियाजा कौन भरेगा? अगर समझ सकते हो तो समझो, आप ये जो कुछ कर रहे हो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुख समर्थन दे रहे हो, आज जो ये आगजनी फैलाने के प्रयास हो रहे हैं उसको आप आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो, देश उन्हें देख रहा है और देश का विश्वास पक्का हो जा रहा है, इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। यूपी में हुड़दंग किया, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई, उसका हर्जाना किसे भरना पड़ेगा? उन मुस्लिमों को जो यूपी में हुड़दंग कर रहे थे और जो सीसीटीवी कैमरा में आ गए थे, उन्हें लगता था कि कांग्रेस पार्टी उन्हें बचा लेगी, सपा या बसपा पार्टी उन्हें बचा लेगी क्योंकि वो उनका समर्थन कर रही है। पर पब्लिक प्रॉपर्टी का हर्जाना भरते भरते बचे कुछ टापरे भी बिक जाने हैं। हुड़दंग करने वालों पर सालों साल तक केस चलेंगे, वकीलों की फीस भरना पड़ेगी, हमेशा जेल जाने का डर लगेगा, ठीक से जिंदगी नहीं जी पाएंगे और ना ही कभी तरक्की कर पाएंगे और बस कोर्ट ही कोर्ट के चक्कर लगाएंगे और बस प्रियंका गांधी उनके घर पर मिलने जाएगी और वो खुश हो जाएंगे। पर ना तो प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के अकाउंट से उनका हर्जाना भरेगी और ना ही उनके लिए कोई कोर्ट केस लड़ेगी। ऐसा ही कुछ अन्य जगहों पर प्रदर्शन करने वालों के साथ भी हो सकता है। जामिया और जेएनयू में हुड़दंग करने वालों के साथ भी होगा। इनमें से कई लोगों पर कोर्ट केस चलेगा, करियर खराब, जिंदगी खराब, और फिर ना ही कोई कांग्रेस और ना ही कोई अरविंद केजरीवाल और फिर ना ही कोई एक्टर या फिल्म वाला इनको बचा पाएगा और ना ही कोई इनका केस लड़ेगा। थोड़े दिन बाद देश में कोई नया मुद्दा होगा और हुड़दंग करने वालों में से कई लोगों के लिए कैब प्रोटेस्ट ही मुद्दा बनकर रह जाएगा, उनकी जिंदगी कोर्ट में चप्पल घिसते घिसते पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इस देश में कई लोगों को जानबूझकर अनपढ़ बनाकर रखा गया है ताकि इनका जैसा चाहे वैसा यूज किया जा सके।
वोट बैंक की राजनीति करके हिंदुस्तान की माइनॉरिटी को, हिंदुस्तान के मुसलमान को इंसान मानने से इनकार कर दिया है और आपने उसको सिर्फ एक वोटर माना है, एक सिर्फ मतदाता माना है और उसकी मत की कीमत चुकाने में ही आपको इंटरेस्ट है। आपको कभी भी मुसलमान को भी हिंदुस्तान के नागरिक के नाते विकास के फल उसको भी मिले उस दिशा में काम करने की कभी इच्छा नहीं हुई है, न किया है। आपने अन्य कई समाजों के लोगों को प्रोटेस्ट करते देखा होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाते हुए देखा होगा, इन लोगों को आपने ब्राह्मणवाद कहते सुना होगा, उनका विरोध करते हुए देखा होगा, पर आपने ब्राह्मणों को कभी इनका विरोध करते नहीं देखा होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाते हुए नहीं देखा होगा, हुड़दंग करते हुए नहीं देखा होगा। क्या आपने जैन समुदाय को इस प्रकार से कभी प्रोटेस्ट करते हुए देखा है? कभी उन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी जलाते हुए देखा है? कभी उन्हें हुड़दंग करते हुए देखा है कि देश के किसी मुद्दे पर वो भड़क गए हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहे हैं? तो दोस्तों, इस प्रकार की घटना आपने कम ही देखी होगी। आपने इनका विरोध प्रदर्शन देखा भी होगा तो वो भी शांत होगा और शांति से किया गया होगा, क्योंकि ये लोग किसी राजनीतिक पार्टी के वोट बैंक नहीं है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां इन समुदायों का लाभ कम ही उठा पाती है। और इसलिए आज जैन समुदाय भारत का सबसे संपन्न समुदाय है, सबसे शिक्षित समुदाय है, क्योंकि इनको राजनीतिक पार्टियां भेड़ों की तरह नहीं चरा सकती। ये हाथी है जो संख्या में तो कम है पर इनके पास दिमाग बहुत है। इसी प्रकार दोस्तों, आपने देखा होगा छोटे छोटे देश और कम जनसंख्या वाले देश जल्दी तरक्की कर जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या कम तो प्रॉब्लम कम और विकसित दिमाग। तो इसी प्रकार दोस्तों, एमयू और जामिया के विद्यार्थियों के मन में भी घृणा का अभाव भर दिया गया है और अब इनकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब इनका करियर ये राजनेता खत्म कर देंगे। एक केस लगने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि ये लोग स्टूडेंट थे। इनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाएगा। हर कोई स्टूडेंट तो बन सकता है पर हर किसी की किस्मत कन्हैया कुमार जैसी नहीं होती, जिसे फर्जी इंडियन मीडिया ने हीरो बनाकर पेश किया था। चूंकि लेफ्ट पार्टियों का इस देश में कोई अस्तित्व नहीं बचा तो उन्होंने इसे चेहरा बना दिया। बस इसी कारण इसकी चांदी हुई, फिर भी सारी पार्टियां इसे टिकट देने से बचती रही, इसके साथ दिखने से बचती रही। सबने इसको मोरल सपोर्ट तो दिया पर पॉलिटिकल सपोर्ट किसी ने नहीं दिया और इसे चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी क्राउड फंडिंग से इकट्ठा करना पड़ा और पैसा इकट्ठा होना भी था, क्योंकि दोस्तों इस देश का बुरा चाहने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक अविकसित दिमाग को हीरो की तरह दिखाया जाता है मीडिया द्वारा, इसकी इमेज पॉलिशिंग की जाती है। पर इमेज पॉलिशिंग करने से यदि कोई जनता का हीरो बन जाता तो राहुल गांधी नहीं बन गए होते। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ पढ़े लिखे स्टूडेंट जो दिमाग से पैदल है और कुछ अनपढ़ भीड़ को देश में यूं ही चलाया जाता रहा है। इन्हें कभी विकसित नहीं होने दिया जाएगा, इन पर संपन्नता की सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाएगी। आज मोदी शाह का विरोध करने के लिए पार्टियां इनका उपयोग कर रही है, क्योंकि सीधे तौर पर मोदी शाह की नीतियों से ये लड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, देश की कोई भी पार्टी क्या सीधे तौर पर अपने मैनिफेस्टो में लिख सकती है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो धारा 370 फिर से लगा देंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे तो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को देश के अंदर लाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे तो सारे घुसपैठियों को देश में नागरिकता दे देंगे? तो दोस्तों, ऐसा करना किसी भी पार्टी के बस की बात नहीं है और अपने मैनिफेस्टो में ये बातें लिखना किसी की औकात नहीं है। तो विरोध करने वालों के पीछे छुपकर, हुड़दंग का रास्ता अपनाने वालों के पीछे छुपकर ये बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित ये सब नहीं करते, पर इन सब के पीछे की सच्चाई को जितनी जल्दी ये देश समझ ले उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस देश में घर बनाने वालों को भी यहीं रहना है और घर जलाने वालों को भी यहीं रहना है। तो आग उतनी ही लगाओ कि सांस ली जा सके, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले देश है और देश से बढ़कर कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। हम इसी तरह आते रहेंगे, कुछ जानकारी भरे, कुछ देश हित में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। मैं आज मेरी भी परिभाषा देना चाहता हूं। सेक्युलरिज्म की मेरी परिभाषा साफ है और मैं साफ कहता हूं कि सरकार का एक ही मजहब होता है, नेशन फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, भारत का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है, राष्ट्रभक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ देशवासियों। सरकार की एक ही पूजा होती है, जनशक्ति की।
सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं।